यहाँ क्या कर रही हो? Oh God, करी अम्मा, मेरे को आना पड़ता, बहुत जरूरी होता। उस सीनियर सुंदरी उस फ्रॉड को पकड़ने नालापर नाम के एरिया में जाता। सब बोलता कि जो पुलिस वाला उस एरिया में जाता ना, या तो वो इंजर्ड वापस आता या कभी वापस नहीं आता। कब बात कर रही हो मैडम सर, नालापार एरिया में कहीं जा रही है, वो भी बिना बैकअप फोर्स के? ये तो सरासर पागलपन हुआ ना। इसलिए मैं तुम्हारा तुम्हारा यूनिफॉर्म लाया, इसको पहन के जाओ और सीनियर का जाके मदद करो, उसको तुम्हारा बहुत जरूरत, जाओ गो। धन्यवाद करी अम्मा। हाँ, आज रक्षाबंधन होता, राखी नहीं बनवाएगा? बचपन से मेरे को बहुत प्रोटेक्ट किया, स्कूल में कितने लड़कों को पीटा तुम मेरे लिए। बचपन से मेरा अप्पा से नहीं बना, इसलिए मैं तुम्हें ही अप्पा, ब्रदर, सिस्टर सब देखता। मेरे को मालूम तुम मुझे डिसलाइक करता, पर तुम क्या कर सकता? दिस रिलेशन इज मेड बाय गॉड। मानना, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों करी अम्मा? एक मिनट, स्वीट तो नहीं होता तो? इसी से काम चलता? रुको, मैं चलता। सही कहा तुमने करीना, ये रिश्ता भगवान ने बनाकर भेजा तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तुम एक बात मत भूलना, हमने राखी इसलिए बनवाया क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने बनाया। लेकिन जो तुमने किया था ना हमारे साथ, जो पीड़ा तुमने दिया था, उसका दर्द हम अभी तक भूले नहीं है, इस बात को भूलना मत। तुम्हारे ये चाय की एक घूंट के मिठास से तो वो दर्द कभी जाने नहीं वाला है। सॉरी करी अम्मा। अयो, मैं भी जाता, इतना अच्छा एक्शन कहाँ देखने को मिलता। चलना तो पड़ेगा, प्यार से चलो तो अच्छा है। अच्छा, चल चल, ले जा कर दिखा तू, चल। मैडम सर, मैडम सर, प्लीज वापस वहां से निकलिए, आप छोड़ दीजिए सब, निकलिए वहां से प्लीज। नहीं संतोष शर्मा, आज आए हैं तो साथ लेकर ही जाएंगे। मैडम, गलती कर रही है तू, चलो सोच ले। चलो चलते चलते सोच लेना, चलो। एक बार फिर सोच ले, गलती कर रही है तू। अच्छा चल, खेले बाजी अपनी अपनी, देखे किसके हिस्से में क्या आता है। है हुनर अगर तेरा तेजा भी, तो आग से गुजरना हमें भी आता है। तुम क्या डायलॉग मारता? मैं नोट करता और अपनी फिल्म में बोलता। क्या डायलॉग था वो? गरीब का क्या, भूल गया। डायलॉग नहीं था, शेर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से फौरन। नहीं, मैं नहीं जाता, ऐसा नजारा कहाँ देखने को मिलता, ऐसा सीक्वेंस, चारों तरफ खतरा और बीच में अप्सरा। करिश्मा सिंह नहीं, ब्यूटी क्वीन करीना। Ah!
मैं थोड़ा और सीखेगा। आप ही है ना करिश्मा सिंह, करीना बनकर हमें बेवकूफ बना रही है। ये मई है, मई क्वीन करीना। अच्छा, यहाँ आओ। जाइए जाइए। बताओ हमने तुमसे क्या वादा किया था? तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम करी अम्मा को कभी नहीं बताएगा कि वो पैसों वाला डोनर मई था। हाँ, और कि मैं ये मूवी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता ये भी तुम करी अम्मा को नहीं बताएगा, यही वादा। मैं करीना होता अभी तुम देखो मेरा परफॉर्मेंस। गुरु अम्मा, हाँ? जब करी अम्मा किसी क्रिमिनल को जेल में डालता तो क्या डायलॉग मारता? कोई डायलॉग नहीं मारता, सिर्फ अपना हाथ मारता डंडा लेकर। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, क्या डिट्टो? क्या डिट्टो? डंडा प्लीज। कहाँ भाग रही, कहाँ जा रही तुम? एक्शन बोलो, बोलो एक्शन। अब हम तुमसे जो पूछता तुम उसका जवाब देता, और जो नहीं पूछता उसका भी जवाब देता, और अगर नहीं दिया तो डंडा चलता, और जब मेरा डंडा चलता तो किसी का नहीं चलता, समझी? सुपर बोलो, सुपर सुपर। क्या सुपर? सुपर का सुपर रे। अभी बोलो तुम्हारे साथ और कौन कौन होता? बोलो 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 बोलो। आराम से करो, आराम से मोच आ जाएगी। हाँ हाँ, मोच आ जाएगी। कौन कौन होता तुम्हारे साथ बोलो बोलो। एक मिनट। वैसे तो हम उसूलन थाने में वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आज यहाँ वायलेंस होगा, बहुत जरूरी, क्योंकि इस औरत ने जो घटिया और जलील काम किया है इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए, इसे सबक सिखाना होगा। करिश्मा सिंह की भाषा में कहें तो नारियल में से अगर पानी निकालना है तो उसे छीलना तो पड़ता ही है। अयो अम्मा, क्या डायलॉग मारा! एक मिनट, मैं नोट करता। पेन? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम है ना छात्र दिमाग। गुरु अम्मा, डंडा लाइए। ये लो सीनियर सुंदरी। मैं बताती हूँ उन सब के नाम बताऊंगी जो इस रैकेट में शामिल हैं। आप सबके नाम लिख लेना हा? और मैं उनके खिलाफ सबूत दूंगी, गवाही दूंगी, सब दूंगी। आप उनको पकड़ लेना और जेल में डाल देना। मैं माफी मांगती हूँ। मैं समझ गई हूँ मैडम, हमारे जैसे धोखेबाजों की वजह से लोगों का इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया है। हमारे जैसे बेईमान लोगों की वजह से लोग तो जरूरतमंदों की भी मदद नहीं करते। माफ कर दीजिए मुझे। सॉरी। पुष्पा जी, सबके नाम लिखिए, वारंट निकलवाइए और सबको लेकर आइए थाने। जी मैडम।
और हाँ, महिला पुलिस थाने की तरफ से एक नोटिस भिजवाइए न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, इंटरनेट पर, हर जगह, कि अगर इमोशनल रीजंस की वजह से क्राउड फंडिंग का कोई भी कैंपेन अगर किसी को नजर आता है तो पहले उसे अच्छे से जांचें, परखें, वेरीफाई करें और उसके बाद ही फाइनेंशियल हेल्प करें। जी मैडम सर। मदद बहुत ही नेक जज्बा है, मदद हमेशा करनी चाहिए। मदद की वजह से ही आज इस दुनिया में थोड़ी बहुत इंसानियत अब भी कायम है। नफीसा जैसे एक फ्रॉड की वजह से वो सारे एनजीओ जो सच में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, उनके काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मदद सही जगह, सही वजह से और सही इंसान तक पहुंच रही है। खुश रहिए और खुश रखिए, यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। माँ, ऊपर जाके फोटो निकालू गया कैसे? अरे ऐसे निकालो, आजा। चेहरा तो दिखना चाहिए। बस शोना। हाँ, शोना। हाँ बेबी। फोटो शोना। अच्छा शोना ना, यहाँ शोर ना कम सुनाई दिया। दिखाओ। आइयो अम्मा, इस ब्लर फोटो खींचता तुम? खुशी के आंसू पोंछ दो और देखो। एक नहीं साफ। हाँ, अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये भी अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये इतना डार्क डार्क क्यों होता? डार्क? ये मेरा सेल्फी है, हटा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये भी अच्छा है, देखो। चलने बताया। अच्छा अच्छा, एक तुम नीचे गिरता तो भी फोटो खींचता? लो एंगल ना। अयो अम्मा, मैं इस टकली को कितनी बार बताया मेरा लेफ्ट प्रोफाइल सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो फिर नीचे लो एंगल में क्या ही करता? मां, मुझे अब भी क्या भी वीक चाहिए। हां हां, और यू आर ऑल ओवर सुपर कैरी। थैंक यू। अच्छा। कैरी? हां कैरी हो गया। माँ, दिल की बात लिख हो गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम। मैडम, रिपोर्ट लिखाना है हमको, चोरी का रिपोर्ट लिखाना, जल्दी लिखे ना मैडम। हाँ हाँ, लिखते लिखते बैठिए। होल्ड इट, मैं सीनियर होता, मैं रिपोर्ट लिखता। नहीं नहीं, हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे। नहीं नहीं, मेरा मूवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे को लिखने दो, प्रैक्टिस होता। यस प्लीज प्रोसीड। क्या चोरी होता? जानम। किसको किसको बोला जानम, किसको बोला? नहीं वैसे नहीं, हमारी जानम चोरी हो गई है। ओ जानम, योर वाइफ? नहीं नहीं, वो तो ये है, ये। अच्छा, तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, कैसी बात कर रही है मैडम आप? आई एम 101 piece 1 woman मैन एंड माय वुमन इज दिस। हमारी अभी भी शादी हुई है, इनका नाम नहीं है। हेलो बोलो, बोलो। हेलो हेलो। जानम कौन है फिर? मेरी बाइक मैडम, अभी वाले बर्थडे पर ना इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इन्होंने गिफ्ट दिया था तो हमने गाड़ी का नाम जानम ही रख दिया। डबल ओ। हाँ हाँ, तो फिर कहाँ से चोरी हुई आपकी ये जानम? होल्ड इट, तो फिर कहाँ से चोरी हुई आपकी ये जानम? विजय मॉल के पार्किंग से अच्छी खासी गाड़ी पार्क करके गए थे और आए तो अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी वाले से नहीं पूछा? पूछा था ना, लेकिन वो मॉल के पीछे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। हे बाप रे, मॉल के सिक्योरिटी वाले को क्यों नहीं पूछा? होल्ड इट, मॉल के सिक्योरिटी वाले को क्यों नहीं पूछा? उससे भी पूछे थे, कहता है कि मैडम कैसे पता चलेगा कि कौन मालिक है? जिसके पास गाड़ी है वह मालिक है, और मैडम वो एरिया भी ना मॉल की पर्सनल स्पेस में नहीं आता है। जी मैडम जी, हमारी गाड़ी ढूंढ के दे दीजिए, सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। शादी की है? नहीं नहीं, गाड़ी खरीदे हुए 5 महीने हुए हैं और अभी हमें 10 installments भी भरनी है मुझको। आइए अम्मा, तुम तो बोला तुम्हारा बाइक तुम्हारा वाइफ ने गिफ्ट किया। मैडम हम नहीं की थी वो ना, डाउन पेमेंट हम किए थे, इंस्टॉलमेंट ये भर रहे हैं। कितना डाउन पेमेंट किया? 500। और बाकी का इंस्टॉलमेंट हम भरेंगे। तो जाने दो ना, छोड़ दो ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बाइक मिल जाएगी।
आप अपना नाम और सारी डिटेल्स इन्हें दे दीजिए, पुष्पा जी इनकी रिपोर्ट लिखिए। जी मैडम सर। जी करिश्मा सिंह, पुष्पा जी रिपोर्ट लिखेंगी यहाँ। ओह यस यस। हाँ रिपोर्ट लिखने के बाद मॉल का मुआयना करवाना होगा। हाँ, मैं क्या बोलती हूँ, एक मिनट, चीता संतोष कहाँ है? वो दोनों इधर देखो, फाइल सजा रहे दोनों। सो क्यूट। फाइल से बाहर आ जाओ। जी मैडम सर, बुलाए हम। इनकी बाइक जो है विजय मॉल से चोरी हुई है, वहाँ जाइए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए, देखिए क्या पता चलता है। इनकी बाइक से रिलेटेड कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। जी मैडम। मैं भी जाता, फील्ड एक्सपीरियंस मेरी मूवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम करिश्मा सिंह हो। मैं नहीं भूलेगा। मैं जाता। थैंक यू सीनियर। तो मैं जाता। हाँ कहाँ जाता? पहले रिपोर्ट लिखना होता। मतलब पहले रिपोर्ट लिखेंगे फिर जाएंगे। हाँ तो यू राइट ना, मैं इतना चुप करके आता। तो क्या होता है, थाने में घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, आप फोन उठाती हैं, चौंक जाते हो, कट्टू बाइक शॉट, आपकी बाइक हवा को चीरते हुए भिगन के अड्डे के तरफ जा गई है। अच्छा अब एक मिनट, पीछे हटिए। के बाद में फिर आपका बैक शॉट, फ्रंट शॉट, गो एंगल। सर एंगल मैं लगा लूंगा, आप स्टोरी नरेशन दीजिए। कट्टू वेरियस लोकेशन, उसके बाद में इंस्पेक्टर बिजली गानी फिरन के अड्डे में एंट्री करती है और एक्शन शुरू। नहीं, आजू बाजू बहुत सारे गुंडे आपको घेर लेते हैं, आप अपनी गन निकालते हो और फायरिंग शुरू करते हैं। नहीं मैडम नहीं, गन वापस रख लेती है। काहे? क्योंकि गंद में कारतूस नहीं है। अच्छा तो मतलब फिर वहाँ पे हम जाते हैं और हम अपने हाथों पैरों से जो एक्शन शुरू करते हैं और घूसा लात होता है। नहीं 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 मैडम, ये ना बहुत रियलिस्टिक मूवी है। अब आप बताइए कि एक औरत इतने सारे गुंडों को हाथों से कैसे मारेगी? अम्मा हटिए पीछे, एक्शन आ नहीं रहा, छाता लेके हमारे सामने घुस रहे हैं, पीछे रहिए ना थोड़ा। हाँ जी तो वो करती क्या है फिर? करती का म्यूजिक ओवरलैप होता है, डांस नंबर चालू। किसका? आपका। काहे? अगर जब तक बैकअप फोर्स नहीं आएगी मैडम, आपको गुंडों को रोक के रखना है। कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तो आप उन सब के सामने डांस कर उनको उलझाती हैं मास्टर ऐसे ऐसे। एक मिनट, लेकिन इससे पहले ही तो वो हीरो के सपने में जो है अपना बिजली रानी कमर मटका रही थी, इससे पहले ही तो मटका रही थी। नहीं कैन, वो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया था, उसका थॉट प्रोसेस था, और ये तो रियल है, इसमें बिजली मिशन के लिए डांस कर रही है। वर्दी में? नहीं, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। कहाँ चेंज हो गया भैया, गुंडों के अड्डों पे चेंज हो गया, क्या वर्दी कहाँ से चेंज हो जाएगा? मिल गया होगा मैडम, इतनी सिनेमैटिक लिबर्टी चलती है। इधर आइए, यहाँ लगाए थे आप? यहाँ खड़ी की थी हमने अपनी जान, नीले रंग की थी। अयो अम्मा कितना हॉट, ऐसे लगता वोल्केनो में से किसी ने वाल्व निकाल के रख दिया। इतना गर्मी में जान हम पार्क करता तो कोई भी चुराता ना। सॉरी मैडम, पर गर्मी से चोरी का क्या कनेक्शन है? टोपा हो का? नहीं मतलब इतना छोटा बात इनकी कोपड़ी में नहीं घुसता। इतना गर्मी में कोई वॉच नहीं करता, देखो कोई नहीं। तो चोरों के लिए ये गोल्डन चांस होता, इसलिए वो बाइक चुराता। हाँ मैडम, आप भले ही लंबी नहीं है लेकिन आप सोचते कितना लंबा है। ये तारीफ, ये बिजदी। थैंक यू जी मैडम, लेकिन फिर भी आसपास देखना तो होगा ना, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। हाँ मेरा कोपड़ा गरम, तुम सी गो। संतु जी आप ना इधर देखिए, हम इधर देखते हैं। हाँ जी ठीक, आधे इधर आधे उधर। साइड प्लीज साइड बेबी, ये आपकी कड़क अदरक वाली चाय। बेबी सिर्फ ग्रीन टी पीती है। नो, बेबी को सिर्फ स्पेशल कड़क अदरक वाली चाय पसंद है, इसीलिए तो हमारे स्पेशल पैकेज में हमारी पेमेंट प्रोडक्शन कर रहा है। बेबी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये बस हमें पता है, ठीक है? एग्जांपल देखना है, अभी चाय की चुस्की लेने के बाद बेबी हमें कान के पास जोरदार कंटाप मारेंगे, देखो। यस
सी अंडरस्टैंडिंग, सालों से काम कर रहे हैं साथ में. थैंक यू बेबी, लेके जाओ. थैंक यू, लेके जाओ. हम नाश्ता लेके आते हैं. देखा जी सर, हम मुद्दे पर आते हैं. आप ये बताइए कि अब एक्शन कब आ रहा है? आ गए मैडम, आ गए. इसके बाद में आपका डांस नंबर खत्म हो जाता है और जो विगन है वो पहचान जाता है कि ये डांसर नहीं, ये तो इंस्पेक्टर बिज की गानी है. और जैसी वो आपको बेहोश करता है और अपने साथ अपने घर लेके जाता है. और फिर एक्शन शुरू होता है. नहीं, म्यूजिक ओवरलैप हो जाता है. काहे? बिजली का डांस शुरू होता है. माँ टोपा है क्या? यहाँ नाच रही है, वहाँ नाच रही है, जहाँ जा रही है सिर्फ नाचे जा रही है, नाचे जा रही है. अरे रिलैक्स मैडम, रिलैक्स. आप तो साउथ कितनी बड़ी आइटम गर्ल हैं, यहाँ की पब्लिक भी तो आपका डांस टैलेंट देखना चाहेगी कि नहीं? बस इसीलिए एक आध आइटम नंबर रख लिए. नहीं नहीं भैया, एक आध सीन में एक्शन रखा है, बाकी आप हर जगह डांस का टैलेंट ही दिखवा रहे हैं. एक्शन भी तो होगा ना मैडम. पेट मैडम, पेट आ रहा है. हम जा रहा है. वाह क्या बात है, क्या एटीट्यूड पकड़ा है बेबी. यही तेवर चाहिए इस कैरेक्टर के लिए. हिट है, सुपर हिट है फिल्म. इस साल का गमला चंद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोस फॉर यू बेबी. लिख के ले लो सारे आइटम नंबर कैंसल. अब होगा सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन. दादा बेबी को उठा करके बाहर रखो. का? अरे इस बेबी लाइट को उठा करके बाहर रखो, अगले शॉट की तैयारी. समझे? मूड मूड एनर्जी, चलो. का मुसीबत है, यहाँ इन टोपा लोगों ने हमारा खून पी रखा है और वहाँ पता नहीं वो दिवाली की फुलझड़ी हमारी छवि का बैंड बजा रही होगी.